हेलो एवरी वन आई एम स्वप्निल नेगी मैं आई आई टी रोड की ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रेजुएट हूँ आई एम करेंटली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट न्यूटन स्कूल उससे पहले आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट आई हैव बीन एक्टिव इन वेरियस ऑनलाइन जजेस इंक्लूडिंग कोर्ट शेफ कोर्ट फोर्स सो आई हैव बीन सिक्स स्टार एट कोर्ट शेफ एंड आई हैव बीन अ मास्टर इन कोर्ट फोर्सेज आई हैव बीन टू आई सी पी सी रीजनल फ्राम ट्वेंटी सेवनटी से ट्वेंटी नाइनटीन तक आई हैव बीन अ मिक्स ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग and I have also presented my college at ICBC Asia West Continental Finals in 2020. So today it won't be about me and it will be about two of my very good friends from IIT Roorkee. So let's welcome Dinesh Goyal and Ajit Pant who have qualified for ICBC World Finals 2023 at Egypt. सो गाइज अजीत पंत के बारे में बताऊं तो अजीत uh, ने काफी तेज चीप कर में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करी थी और स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं कॉम्पिटेव प्रोग्रामिंग में ऑल्सो ड्यूरिंग द कॉलेज इंटर्नशिप पीरियड अजीत ने आई थिंक तीन चार कंपनीज में बैठना अलाउड होता था चार कंपनीज मैक्स अजीत ने उसमें से चार या फिर पांच कंपनीज क्रैक करी थी सो so, अजीत ने uh, काफी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप क्रैक करी थी अपार्ट फ्रॉम दम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म्स में भी क्वालिफाई किया था एंड uh, उसके अलावा अजीत ने काफ़ी मचाया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सो लेट्स अजीत यू टू गो एंड इंट्रोड्यूस फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट आई आई टी रोड की सो मैंने अपने फर्स्ट ईयर से जब स्टार्ट किया था तो मैंने मेनली सी पी से स्टार्ट किया था कुछ टाइम तक मैंने मेनली बस सी पी की थी तो सी पी स्टार्ट करते कोर्ट फोर्सेज वगैरह से स्टार्ट किया था उसके बाद फिर थोड़ा एम एल वगैरह की थी एम एल में भी एक जी सॉक किया था <coughs> इसके अलावा मैंने इंटर्न अभी रिसेंटली रूब्रिक में की थी बट uh, मोस्टली मैं एक्टिव सीपी में ही रहा हूँ सीपी में ही अभी हम um, काफ़ी सारे रीजनल्स दिए थे लगातार तीन साल से और अभी अब वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया रिसेंटली सो दिनेश दिनेश के बारे में बोल दिनेश और मैं काफी क्लोज थे स्टार्टिंग से ही दिनेश सो मैं एक कॉलेज ग्रुप का मेंबर था इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ग्रुप उसके अलावा एक और कॉलेज ग्रुप था प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स ग्रुप सो मैं और दिनेश दोनों के कॉमन मेंबर्स थे सो स्टार्टिंग से काफ़ी बॉन्डिंग रही है उसके अलावा दिनेश ने भी काफ़ी इंटर्नशिप सीजन में ऊबर वगैरह क्रैक करे थे साथ में क्वॉन्ट में इंटर्नशिप करी है क्वॉन्ट बॉक्स कंपनी में सो दिनेश डू यू वॉन्ट टू गो एंड इंट्रोड्यूस सो है आई एम दिनेश गोयल और अभी मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ आई में तो मैं सी में ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ लाइक कोटफोर्सिस कोट सेफ एट कोडर स्पोर्स और भी लाइक सिमिलर टू दैट और ऐसे कोड कोटफोर्सिस में मैं इंटरनेशनल मास्टर हूँ और सिमिलर रेटिंग ऑन कोर्ट सेफ ओसो और मैंने अपनी समर इंटर्न क्वान्टिसर्च में की थी और इसके अलावा मैंने ऐसे आई में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है तो आई फ्रॉम 2019 टू 22 आई हैव पार्टिसिपेटेड इनिशियल बैकग्राउंड के बारे में बताओगे क्या कि कैसे कॉम्पिटेटिव uh, प्रोग्रामिंग में आए थे जब तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने की या फिर कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम परस्यू करने की या तो ऐसे फर्स्ट ईयर में जैसे कि नेगी ने बताया कि हम दोनों कॉमन ग्रुप में थे तो एक प्रोग्रामिंग एंड एगोरीथोम्स ग्रुप जो कि पैग वो सीपीआर ग्रुप था दूसरा आई तो आई एम जी काइंड ऑफ इज सॉफ्टवेयर डेव ग्रुप तो ऐसे स्टार्टिंग में दोनों ग्रुप्स में था मैं और इट्स हार्ड टू बैलेंस बहुत ग्रुप्स और क्योंकि आई आई टी रोड के वैसे काफी अच्छे ग्रुप्स यू यू हैव टू गिव टाइम टू दैट ऐसे नहीं कि तुम बस रिएक्ट हो गए और कुछ कर नहीं रहे डांट पड़ती थी दिनेश हाँ, आपके जो असाइनमेंट नहीं करने पे ने, नेगी ऐसे काइंड ऑफ मैंटर थे तो वो उनको ऐसे असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते थे और नेगी ऐसे असाइनमेंट चेक करते थे तो काफ़ी डांट पड़ती थी उस टाइम उसके बाद मतलब ये आई में होता था उसके बाद पैग में आता तो था पैग में भी क्वेश्चन सर्व नहीं करते थे उधर भी नेगी मिलते थे तो काफ़ी फेस्ट्रेशन लग रहे थे उधर तो उसके बाद लाइक मतलब सी में ज़्यादा मजा आ रहा था तो फिर डेव थोड़े टाइम के लिए कर दिया था तो डिस्कस करते हैं मोस्टली मोस्टलीटिव प्रोग्रामिंग जर्नीज की दिनेश और अजीत की सिंस मतलब काफी जब वो आए थे कॉलेज में मेरे को याद है प्रोग्रामिंग uh, उन्होंने प्रोग्रामिंग की भी एक भी लाइन नहीं लिखी हुई थी और फिर uh, उसके बाद फ्रॉम देयर लर्निंग मेनी स्किल्स मतलब दिनेश उस टाइम सॉफ्टवेयर डेव में भी काफी अच्छा कर रहा था कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी कर रहा था अजीत ने भी काफी वेंचर्स एक्सप्लोर करे हैं मतलब एम वगैरह भी करा है डेव भी करा है जीसॉक सॉक करा है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग है तो एक एक करके दोनों से पता करते हैं कि क्या लगता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ नूबी से लेके आईसी वर्ल्ड फाइनेंस तक पहुंचने के लिए कैसी जर्नी रहती है तो दिनेश वीर स्टार्ट बाय बायू या जब मैं ऐसे कोई जा रहा था तो ऐसे ज़्यादा कुछ आता नहीं था मतलब प्रो, प्रोग्रामिंग कभी की नहीं थी तो ऐसे एक दिन मेरा रूममेट कुछ कर रहा था हमारे ऐसे जो पैक ग्रुप है वो ऐसे प्रॉब्लम सेटअप भी है क्योंकि ऐसे आई टी में एक प्लेटफॉर्म है एल्डोस वो उस पर मैथ्स की प्रॉब्लम होती हैं तो जो मेरा रूममेट था वैसे आर एम क्वालिफाइड था तो एडोस ट्राई कर रहा था तो उसने मेरे को ऐसे थोड़ा आइडिया दी कि क्या कुछ है तो फिर मैंने भी ट्राई किया लाइक उस टाइम पे ऐसे मैं मैसे डेली सात या आठ प्रोग्राम देख रहा हूँ लेकिन एक, एक भी सोल्व नहीं हो पा रहा था <laughs> एक कोई इनसाइट भी नहीं थी क्या करें क्या ना करें मुझे तो भी अपनी <laughs> सीपी जर्नी का स्टार्टिंग याद आता है इससे अगर मैं सोचूं तो जब पहला कोडशेफ का दिया था तो स्टार्टिंग में एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था फिर

एडोस ट्राई करा था उस टाइम उसके बाद थोड़ा कोर्ट के बारे में सुना था <coughs> तो मतलब फर्स्ट सेम में तो कुछ जाकर किया नहीं था मतलब फर्स्ट टाइम में तो मज़े ही कर रहे थे मतलब जस्ट हैविंग फन एक्सप्लोरिंग एवरी दूसरे दोस्त बना रहे थे दूसरे हॉस्टल के दोस्त बना रहे थे <laughs> दूसरी ब्रांच के दोस्त बना रहे थे उस टाइम तो बस यही सब चल रहा था तो उसके बाद जब विंटर ब्रेक मिला तो उसे विंटर ब्रेक में ऐसे मैंने कोर्ट सेफ काफ़ी किया था तो उस टाइम कोई ऐसे ज़्यादा गाइडेंस थी नहीं मतलब नेगी से बाद में मिला था और भी सीनियर से बाद में मिला था तो उस टाइम मैंने जस्ट जस कोर्टसैफ़ खोला और प्रैक्टिस प्रोग्राम पे जाके डिजाइन से प्रोग्राम सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था तो ऐसे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि क्या कर रहा हूँ मतलब एडिटोरियल देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस ऐसे ईजी प्रोग्रम थे लेकिन ऐसे काफी ईजी थे लेकिन वैसे मैंने काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व किए थे लाइक हंड्रेड ऑफ देम तो कोर्टसैफ़ बिगिनर प्रॉब्लम्स थे वो जनरली अच्छा तो वैसे उससे ऐसे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, 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 था तो ऐसे हमारे ऐसे रुड़की में ऐसे प्रोग्रामिक ग्रुप हैं मैंने बताया पैग और आई तो पैग का ऐसे तुम सिलेक्ट होने के क्राइटेरिया होते हैं तुमको टेस्ट देने पड़ते हैं इंटरव्यू देने पड़ते हैं तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट सिलेक्टेड इन पैक्ट इंटरव्यू लिया था दिनेश का या सो उसके बाद ऐसे पैग इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन इन माई सी जर्नी सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की थी सीनियर्स ऐसे लेक्चर्स देते थे फिर रिसोर्स देते थे और हमारे ऐसे पीयर्स में से कॉन्टेस्ट भी कराते थे सो इट वॉज लाइक वेरी नाइस ग्रुप

भी नहीं की थी। उस <laughs> कैट्स कर रहे थे तो उन्हें देख के मेरे भी करने का मन किया था तो मैंने के साथ स्टार्ट किया था तो एक सेमेस्टर फिर हम कॉलेज में बैठ के क्वेश्चन डिस्कस करते थे और वहीं से थोड़े बहुत क्वेश्चन कर करते थे ऐसे फिर फर्स्ट ईयर के बाद जब समर ब्रेक आया तो उसमें जब घर गया तो उसमें थोड़ा सीरियसली चालू किया अच्छे से कोर्ट फसेज वगैरह

अजीत लोग अरे लो, अजीत पढ़ते थे लोग सामने वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा होता था फिर जब तक सामने वाला नया प्रॉब्लम देता था अजीत उसे सॉल्व भी कर चुका होता मतलब कॉन्सेप्ट उसे सीखा उसी समय एग्जीक्यूट भी कर दिया तो तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने आई के लिए प्रिपेयर करना चालू किया उसी टाइम मुझे पता चला था आई के बारे में तो उसमें मोस्टली हमने वो, एक तो हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी टीम्स है आई में जो एक्टिवली पार्ट लेती हैं तो साथ में बैठ के कॉन्टेस्ट देती थी तो हम उसे डब्ल्यू बोलते थे वीकली प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट तो उनके साथ मैंने देना चालू किया था तो 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 बोलते थे पर होता हाँ। वो हफ्ते में बार बार था अभी और इवन दुगर के तो दिन के दिन दो बार। <laughs> हाँ, तो हमने उसके बाद फिर एक सेमेस्टर यही किया था उसके बाद फिर जस्ट कोविड आने वाला था ऑलमोस्ट तो कुछ थोड़ा बहुत हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे थे फिर जस्ट कोविड आ गया था उसके बाद हम घर चले गए थे तो घर पे प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफरेंट हो गया था आईसीपीसी तुमने मिस कर दिया बैंगलोर में कैसा रहा तुम्हारा आईसीपीसी वो काफी खराब एक्सपीरियंस रहा था ऑनलाइन राउंड तो अच्छा गया था अच्छी रैंक आ गई थी एक जो क्वेश्चन गलत था उसकी वजह से हमारी रैंक और बढ़ गई थी क्योंकि हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था <laughs> तो तुमसे भी खराब हुआ था। हम ऐसे वो क्वेश्चन आते ही कर दिया था मतलब तो बैंगलोर जाए थे पहुंच गए थे तो पॉजिटिव रहा था ऑन साइड राउंड तो हमारा काफी खराब गया था काफी मतलब थी याद भी नहीं अभी ऐसा तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फिर अच्छे से सीरियसली चालू की थी जब कोविड चालू हो गया था तो तब मैंने दिनेश के साथ नई टीम बनाई थी मैं दिनेश और रिकॉर्ड कल जरूर था उसमें हम लोग रोज़ घर से प्रैक्टिस देते थे, थे कि पाँच घंटे के कॉन्टेस्ट हैं रोज घर से लगा रहे हैं एक साथ ही कॉल पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे ऐसा होता था कई बार हम कई घंटे के कॉल्स पे रह जाते थे, थे, थे कि तीन चार घंटे तो एक दूसरे से बस कॉल कर रहे हैं अब लड़के लड़के आपस में बिल्कुल कॉलिंग वालों को भी डाउट हो रहा है इतना इससे बात करता लड़का तो ऐसे अराउंड एक साल तक बस घर में इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे थे आई भी डिले हो रहे थे उस टाइम तो कोई कॉन्टेस्ट हुआ नहीं था बीच में थोड़े बहुत किक स्टार्ट हैकर में थोड़े बहुत कॉन्टेस्टर करके थे तो उनमें थोड़ी बहुत रैंक आती रहती थी तो फिर किक स्टार्ट वगैरह की रैंक बताओगे मतलब आ, मेरा पर्सनल शायद आ, ग्लोबल रैंक टेन अलेवन समथिंग था और शायद इंडिया में फर्स्ट या सेकंड रैंक थी उसमें ऑलमोस्ट उसके बाद फिर वापस से रीजनल हुआ था काफ़ी टाइम अराउंड डेढ़ साल के गैप के बाद उसमें तो 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 हमारे से टीम कॉन्टेस्ट काफी बढ़िया चल रहे थे मतलब हम कब त्रू मैं और अजीत ऐसे कॉन्टेस्ट देते थे हमको पता था कि कौन बंदा कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है ऐसे देख के हमको समझ आता कि ये बंदा ये प्रॉब्लम सोल्व करिएगा और हमारे से कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा था कि किसी चीज का सोल्यूशन है मतलब हम दो वर्ड बोलेंगे हमको समझ आ रहा है कि सामने बंदा क्या सोच रहा है एक काफ़ी सही कॉर्डिनेशन था तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे हम इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं थे लेकिन एज ए टीम हमारी टीम काफी डाइवर्सिफाइड थी लाइक अजीत मैथ हैंडल कर देता था

अब बिल्कुल मतलब पिन पॉइंटेड जानना चाहते हैं कि आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स के लिए हाउ डू वी प्रिपेयर और कैसे हम आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स मतलब तुम इस बार वाले रीजनल्स टू वर्ल्ड फाइनल्स की जर्नी एक बार दिनेश बताओगे क्या मतलब तो क्या रहा रीजनल्स में फिर वर्ल्ड फाइनल्स तक जाने की जर्नी कैसी रही हाँ तो इस बार के मतलब लाइक हमारा फ्रेंड कल था वो पास आउट हो गया था हमने नई टीम बनाई यतीन के साथ यतीन हमारे से जूनियर है तो इस बार रीजनल्स से ऐसे काफ़ी क्रेजी गए थे क्योंकि हम हमने ऐसे जैसे कॉन्पीजन में ये हुआ था कि हमारा कॉन्टेस्ट काफ़ी ख़राब जा रहा था तो और हमने ऐसे चार घंटे तक खाली पाँच प्रॉब्लम ही सॉल्व किए थे उस टाइम रैंक फ्रीज हो गई थी तो हम ऐसे टॉप तो टेन फिफ्टीन से बाहर ही चल रहे थे कुछ जब रैंक फ्रीज हुई थी तो उसके बाद मतलब हमारे तीन और क्वेश्चन चल रहे थे मतलब डब्ल्यू आ रहे थे मतलब कुछ कुछ पेनल्टीज आ रही थी तो उसके बाद आखिर के एक घंटे में हमने तीन प्रॉब्लम सोल्व करी और हमारी रैंक काफ़ी ऊपर आ गई थी तो हमको एक्सपेक्टेड भी नहीं था काफी तो का आया था ऑलमोस्ट हाँ। आठ प्रॉब्लम थे टॉप टू टीम के और किसी के आर्ट हुए नहीं थे उसके बाद सीधे हमने जम किया था से ज्यादा लेकिन ज्यादा सोल्व किया था तो ठीक ठाक रैंक आ गई थी तो ये थी वो तीन <laughs> <laughs> तो गाइस थर्ड रैंक ठीक ठाक है अभी सिक्स खराब थी सॉरी फाइव सिक्स जो भी थी वो खराब थी थ्री ठीक ठाक है आप जानते हैं अच्छी रैंक क्या है <laughs> उसके बाद हमने ऐसे ग्वागियर दिया था तो ग्वागियर में मतलब ग्वागर अच्छा जा रहा था लाइक चार घंटे जब खत्म हुए तो हम ऐसे रैंक वन पे थे तो छः सात प्रॉब्लम हमने सात प्रॉब्लम किए थे उस टाइम तक उसके बाद हमसे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा था मतलब पचपन मिनट हो चुके थे और हम एक कोई प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें हम हैसिंग लगा रहे थे तो मतलब का कभी डब्लू आजाद अगर हम हैस की कम कर दे रहे हैं तो और अगर कुछ हायर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो टैगी आ जा रहे हैं तो हमने काफ़ी समीशन मारे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था तो फिर ऐसे जस्ट ऐसे तीन मिनट पहले अजीत के दिमाग में आया कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं तो हम उस टेक्निक ऐसे वन पॉइंट फाइव हैस भोग रहे हैं तो हमने ऐसे दो हैस रखे थे एक इंट में एक लॉन्ग के इंट में तो हमारा तो 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 आ आ आ। आ। तो तो मुझे याद है हम लोग गए थे मैं था मयंक गौतम था आदर्श कुमार था तो सिमिलर टाइप का था तो उसमें क्या था कि हम लोग कॉन्टेस्ट दे रहे थे हमारी रैंक इंडिया में ऑलमोस्ट हंड्रेड के नीचे चल रही थी तो उस टाइम रीजनल्स तीन जगह हो रहा था बैंगलोर अमृतापुरी और कोयम्बटूर में तो बैंगलोर में सारी अच्छी टीम्स आ रखी थी समाव मतलब दिनेश कोयम्बटूर में था बट बैंगलोर में सारी <laughs> अच्छी टीम्स तो, आ रखी थी उस टाइम तो तो हमारा कहता है कि हम हंड्रेड हंड्रेड के बियॉन्ड चल रहे थे मतलब जब आ, फोर आर पे फ्रीज होती है रैंक तो हम हंड्रेड के बियॉन्ड चल रहे थे तो सबको ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे हंड्रेड के पीछे कैसे कहते चले हमारा एक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक था वो भी हमारा ए नहीं हो रहा था ऑलमोस्ट उसे दो सौ टीम्स ने कर दिया था एसी पर हमारा एसी नहीं हो रहा था वो क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ही था तो बाद में फिगर आउट हुआ था कि हमने गलत पढ़ा था

कुछ भी रैंडम चे, चेंज कर रहे होते हैं कहीं, कहीं हो तो तो, अजीत ने काफी आ, न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है तो दिनेश कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो तुमने न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट देते समय फील करा हो कभी आ, मतलब एक बार लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब रैंक वन आ गई थोड़ा काफी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए

तो ग्वालियर जो रीजनल था वो दो साइड में था ग्वालियर और पुणे हमने ग्वालियर की टीम से तो पूछ लिया था उन्हें हमें पता था कि हम उनसे तो आ गए पर हमें ये नहीं पता था कि पुणे में जो टीम्स दे रही है उनमें से एक मद्रास की टीम थी मैं नहीं पता था कि हम उनके कंपेरिज़न में कैसे हमने मैसेज करने का ट्राई किया था बट वो रिप्लाई नहीं आ रहा था उनका उस टाइम पर तो हमें उससे ये नहीं पूरी कॉन्टेस्ट एंड हो गया सेरेमनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है लास्ट तीन टीम्स बची है तब भी नहीं पता है कि हमारी रैंक क्या है तो, तो जब रैंक अनफ्रीज हो रही थी हम चाह रहे थे <laughs> तो जैसे ही मद्रास का थर्ड रैंक पे आ गया तो हमारे डिसाइड हो गया था हम फर्स्ट है तो काफी अच्छा लगा था उसमें

ऐसा होता था, था स्टार्टिंग वाले तीन चार का था चलो फिर भी फिक्स होता था तो अगर ऐसे फाइव से टेन वालों का अगर तुम सोचोगे तो वहां पे कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती थी हाँ। क्योंकि कौन से रीजनल वाले ने कितना कर दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम तो ऐसी दूसरे के कॉलेज को नीचे बताने वाला स्टार्ट कर देते थे तो ऐसे बोलने लग जाते थे कि आ, मतलब जैसी कोई टेंथ रैंक अनाउंस हो तो दूसरे का कॉलेज बोल दिया फिर सेवंथ रैंक चल रही मतलब तुम्हारी तुम रैंक अपना ऊपर करने का ट्राई कर रहे हो किसी तरीके से दूसरे कॉलेज हाँ तो काफी फन मोमेंट्स हो जाते तो दिनेश आ, उसके अलावा कुछ आ, तुम बहुत टाइम से सी कर रहे हो तो अभी तक तुम्हारा फेवरेट फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिथम क्या है फेवरेट तो नहीं है लेकिन ऐसे सेगमेंट्री बहुत ही खाया है मतलब देर ए टाइम जब मैं ऐसे सेगमेंट्री चार मिनट में ही खरीदता था, था बाकी का तो मतलब से उठाते थे, थे? <laughs> 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 मतलब वो ऐसे मसल मेमोरी में आ गया था सेगमेंट्री मतलब उसके बाद टेम्पलेट से उठा के चेंज करो एक वही टाइम लगता था और अजीत तुम्हारा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या है मेरा पर्सनली तो मुझे सबसे अच्छा तो एफ एफ्टी और जेनेडिंग फंक्शन लगता है मेनली इसलिए तो थोड़ी मुझे मैथ्स भी पसंद है और जेनेटिंग फंक्शन में काफ़ी सारी मैथ्स वाली चीज़ें भी आ जाती है तो उसे कभी कभी करने में अच्छा लगता था और इससे मैंने कई बार ऐसे काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम किसी कॉन्टेस्ट में आ गई और वो सरप्राइजिंगली हो गई कि बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे जेनेटिंग फंक्शन का कुछ वियर्ड सा फंक्शन लगा लें उस पर तो आ जाता है कुछ करके रिजल्ट तो इसकी वजह से काफ़ी बार अच्छी रैंक आई है तो इस आ, और साथ में, में हम न्यूटन्स के लिए कॉन्टेस्ट भी सेट करते हैं तो उनमें भी हमने कई बार ऐसे हार्ड प्रॉब्लम बनानी है तो जनरेटिंग फंक्शन से बनाना काफी अच्छा लगता है तो हमने लास्ट दो ग्रैंड में लास्ट प्रॉब्लम ने इसी से बनाई हुई है ग्रैंड कोडिंग शेक्स तो उसके लिए रजिस्टर करने के लिए नीचे लिंक भी शेयर्ड है तो कोडरश एक्स पे भी रजिस्टर करिएगा और दिनेश और अजीत ने ही प्रॉब्लम सेट बनाया है और और भी लोग हैं यतिन है यतिन भी वर्ल्ड फाइनलिस्ट है अनफॉर्चुनेटली कर पाया बट यतिन ने भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है और सावर्ण एंड ऑल काफी सारे अच्छे प्रोग्रामर्स ने मिलकर बनाया है तो डू चेक द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द कॉमेंट्स बिलो अजीत मतलब आपने बहुत सारा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जर्नी के बारे में बताया और काफी अच्छा अच्छा मचाया भी है लाइफ में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में इंडिविजुअल लेवल पे अचीवमेंट्स कुछ बताओगे क्या मतलब कि क्या क्या इंडिविजुअल लेवल पे अचीवमेंट्स हुए थे जैसे कोड uh, uh, मतलब जैसे हैकर कप हो गया कोड जैम हो गया इन सब चीज़ों में कि मैंने uh, मोस्टली जैसे कोविड टाइम पे काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट दिए थे कोड जैम वगैरह में आई थिंक मैं लास्ट राउंड थर्ड राउंड तक चला गया था लास्ट राउंड से एक राउंड पहले तक हैकर रैंक पर भी शायद सिमिलर था मैं एक्जैक्टली exactly नहीं किक uh, स्टार्ट में मेरी अच्छी रैंक आ गई थी बीच में शायद अंडर uh, और सी एफ मैं टॉप टेन इंडियंस पर पहुँच गया था बीच में एक बार Uh, इसके अलावा लाइक नॉन सी पी में भी थोड़ी मैंने जी सॉक किया था एम में था ओपन सी पी में uh, इसके अलावा uh, इंटर्न भी मुझे लाइक अच्छी सी इंटर्न मिल गई थी वो भी एक अच्छी अचीवमेंट अच्ची रही थी कॉलेज लाइफ में मोस्टली तो ये अचीवमेंट्स रहे थे पूरे दिनेश तुम भी थोड़ा बताओ कि अपने इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जब जर्नी कर रहे थे तुम क्या क्या अचीवमेंट्स मिल रहे थे जिससे तुम्हें अच्छा लग रहा था मतलब मुझे अपना एक पर्सनली याद है तो ऐसा था कि मैंने कॉम्पिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी सेकेंड ईयर में तो आ, मतलब बाकी जो देख रहे हैं उनके लिए लेट नहीं है कभी भी स्टार्ट करो तो इट्स वेरी गुड बट हाँ हमारे कॉलेज में थोड़ा सा कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का तो आ, सेकेंड ईयर में जब मैं कर रहा था तो तब हैकर कप होता था तो हैकर कप में उस टाइम तक हमारे कॉलेज में टी शर्ट नहीं मिली थी किसी को मतलब जितने लोगों को मैं जानता था उनमें से तो जब मैं सेकेंड ईयर में दे रहा था तो मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आ गया था और मुझे टी शर्ट मिल गई थी और मतलब मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू आया था तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था और रैंडमली कोई क्वेश्चन था

मतलब हम ऐसे चापू मांग रहे हैं फ्रेंड्स एक ऐसे आई टी आर में चापू बोते हैं फॉर ट्रीट तो चाय पकोड़ा है लेकिन <laughs> चाय पकोड़ा में नहीं निपटता वो महंगा पड़ता है बहुत महंगा होता जा रहा है तो बाकी ऐसे मैंने भी ऐसे गूगल कि स्टार्ट दिए हैं गूगल कोर्टजेम दिए हैं कोर्डजैम ऐसे ठीक ठाक रैंक आई हैं बाकी हैकर कप भी दिया है जो भी ऐसे मैं तो कोई भी कहीं भी सी पी वगैरह दे देते थे कूल है तो दिनेश बताओगे तुम्हारा मतलब कॉम्पिटिव प्रोग्रामिंग का तुम्हारी लाइफ में कैसा इन्फ्लुएंस हुआ है मतलब ये तो एक जर्नी हो गई तुम्हारी कॉम्पिटिव प्रोग्रामिंग बट लाइफ में तुम्हारे एज़ इन जनरल कॉम्पिटिव प्रोग्रामिंग का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इन जनरल मतलब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ कि सी पी ने ऐसे कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट किया है मतलब इन जनरल मतलब सी पी में तो ऐसे इंप्रूवमेंट हुआ ही है बाकी इन जनरल भी जैसे मतलब उसके बाद कोई मैं अगर चीज़ पढ़ रहा हूँ तो ऐसे माइंड ऐसे हायर कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए थोड़ा <laughs> हो जाता है कि वो कर पाते हैं जब अगर तुम सी पी करते हो तो मतलब बाकी वो भी कर सकते हैं कि सी पी वाले भी कर लेती हैं थोड़ा सा मतलब माइंड डेवलपमेंट होते हैं ये सब मतलब मेरे को लगता हैं तो मतलब यही सब सी पी ने से काफ़ी हेल्प किए हैं है अजीत तुम बताओ क्या मतलब कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का क्या इन्फ्लुएंस रहता है इन जॉब्स और करियर क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के इनिशियल जनरली लोग बोलते हैं राउंड्स रहते हैं तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का क्या रोल uh, रहता है इन प्लेसमेंट्स इन कॉलेज प्लेसमेंट्स और रेगुलर प्लेसमेंट okay, तो अभी तक मैंने मोस्टली जितनी कमरेज़ का देखा है उनमें ज़्यादातर कंपनीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कम्पिटिव प्रोग्रामिंग क्योंकि सबसे पहले तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं किसी कंपनी में तो उन्हें कोई फिल्टर चाहिए तो कॉम्पिटिव प्रोग्रामिंग से फिल्टर बनाना ईजी होता है क्योंकि हम क्वेश्चन दे सकते हैं उन्हें हमें टेस्ट कैसे पता है हमें क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे आंसर चेक ईजिलीली हो जाता है तो फर्स्ट राउंड फिल्टरिंग जनरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे रखते हैं उसके बाद फिर जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस मोस्टली उस पर ही रहते हैं डेव वगैरह और रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं बट सीपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं तो जैसे लीड कोड वगैरह पे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें उन कॉन्टेस्ट में आ जाती हैं तो अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस रही हो लीड कोड या सी पी किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो ईजिली क्रैक कर पाते हैं मोस्ट ऑफ कंपनीज़ को ऐसे सिमिलरली जो रोल्स हैं उनमें भी पजल्स वगैरह पूछते हैं एग्जैक्टली exactly सेम नहीं है सीपी की तरह बट अगर आपके सीपी की प्रैक्टिस है तो ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं लोग ईजिली तो अगर किसी को ऐसे प्लेसमेंट क्रैक करनी है तो सी करना तो इंपॉर्टेंट रह जाता है काफ़ी उसके बिना फिर दूसरे वेज हैं पर वो काफ़ी हट और मिस दे रहते दे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है मतलब ये बिल्कुल एक ट्राइड इंटरेस्टेड भी कर सकते कि आपकी जॉब लग पाएगी कि नहीं उनसे अच्छे से तो

अजीत अपना बताना जरा आप कौन कौन सी वे प्लेस हुए थे जब आ, कैंपस में <laughs> इंटर्नशिप और और तो गाइज गूगल वगैरह तो रिजेक्ट करी हुई है काफी डायरेक्ट एंड और... रूबरिक में जाने का भी मन था स्टार्टअप था तो इसीलिए रुब्रिक को प्रेफर किया था सो गाइस अजीत और दिनेश जो है वो न्यूटन्स कोडिंग कॉन्टेस्ट में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं विच हैज नाउ बीन रीब्रांडेड टू कोड रश तो uh, दिनेश आप बताएंगे क्या कोड रश के प्रॉब्लम जो इस बार कोड रश एक्स होने वाला है उसके प्रॉब्लम्स किस टाइप के हैं और uh, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन सब में ओके सो कॉन्टेस्ट इज बिगनेस फ्रेंडली और ऐसे हाई रेटेड कोडर भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम सेट काफ़ी बड़ा होता है और स्टार्टिंग में काफ़ी इजी रहते हैं उसके बाद धीरे धीरे करके हम ट्राई करते हैं जैवल को बैलेंस करने का मेंटेन करने का और ट्राई करते हैं मतलब वैसे मैथ्स के प्रॉब्लम डालने का डीपी ग्राफ मतलब हम ट्राई करते कर, तो कर कर हैं कि सारे कंसेप्ट कवर कर दें इनिशियल प्रॉब्लम्स तो जनरली बहुत इनिशियल प्रॉब्लम में ऐसे लाइक कोई हायर डाटा स्ट्रक्चर या कोई एल्गोरिथम ऐसे यूज नहीं होगा दे आर जस्ट लाइक कुछ जुगाड़ सोचने कूल है कूल है तो सर इनिशियल प्रॉब्लम गाइस बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होंगे और इनिशियल uh, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा उनके लिए भी काफी प्राइजेस हैं सो बेसिकली जो एक रैंडम रैंडमली सिलेक्टेड कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करा होगा उनके लिए भी प्राइजेस हैं जो टॉप पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी प्राइजेस हैं जो फास्टेस्ट सॉल्वर्स हैं उनके लिए हैं फीमेल पार्टिसिपेंट्स के लिए प्राइजेस हैं टॉप इंडियंस के लिए प्राइजेस हैं टॉप वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए प्राइजे हैं so, बहुत सारे डाइवर्स प्राइजेस हैं तो डू रजिस्टर एंड लिंक इज इन द बिलो अपार्ट फ्रॉम दैट अजीत से एक बार जानेंगे कि उनकी कैसी जर्नी रही थी लाइक कोडिंग चैलेंज और अब हैज चेंज टू कोड रश उसके प्रॉब्लम सेट करने की तो अजीत ओके okay, तो uh, लाइक मैंने जब सी पी एस स्टार्ट की थी तो उसके साथ हम पैग में भी थे तो उसमें रिक्रूटमेंट के लिए क्वेश्चन बनाने होते थे तो, तो वहीं से स्टार्ट किया था क्वेश्चन बनाना तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा लगने लगा था क्वेश्चन बनाना तो उसके बाद फिर हमें न्यूटन से चांस मिला बनाने का रफली डेढ़ साल समथिंग हो गया स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम से क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूटन के लिए तो काफ़ी एक अच्छी जर्नी रहती है क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक अच्छी चीज़ है और साथ में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है काफ़ी तरह से कि उसमें क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और डिफ़िकल्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोग से सॉल्व हो पाए ईज़िली और फिर जब कॉन्टेस्ट में लोग से सॉल्व करते हैं तो अच्छा लगता है कि या फिर अच्छा सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते अगर इसी प्रॉब्लम में एक्सपेक्ट करते हैं सॉल्व करेंगे हार्ड में सॉल्व करें तो उतना अच्छा नहीं लगता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा कम सॉल्व हो बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी जनरी रहती है, है क्वेश्चन बनाना जो पूरा फेज है क्वेश्चन एकदम आइडिया वाली स्टेज से लेकर धीरे धीरे क्वेश्चन को फाइनलाइज करना उसके टेस्ट केसेस बनाना और उससे पब्लिक करना और फाइनली जब कॉन्टेस्ट होता है तो उसे पूरा टाइम इससे दो तीन घंटे तक हम भी सेटर की तरह भी हम पूरा टाइम कॉन्टेस्ट को देखते रहते हैं कि क्वेश्चन कितने सॉल्व हो गए हैं लोगों का क्या इसी आ रहा है क्या क्या अप्रोचेज यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह से क्वेश्चन करना तो भाई आ, मैंने भी न्यूटन स्कूल के साथ जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने भी एज अ प्रॉब्लम सेटर ही करी थी तो आई वाज द इनिशियल प्रॉब्लम सेटर जिसने सबसे स्टार्टिंग न्यूटन कोडिंग चैलेंज के प्रॉब्लम्स बनाए थे और फिर उस ऐसे हम दिया हम कौन्टेस्ट कौन्टेस्ट ये देते थे और ये देते और लोग फर्स्ट सेकेंड आया करते थे उस टाइम में और डुगर एरा भी चल रहा था उस टाइम तो डुगर काफी बार लगातार फर्स्ट आता था, फर्स था, था में तो काफी काफी कूल होता है गाइज और पार्टिसिपेट करोगे तो जेनुनली काफी कुछ सीखने को मिलेगा काफी बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है एंड डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ ना कुछ यू विल टेक आउट ऑफ इट दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि कॉन्टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स नहीं भी सॉल्व हो रहे हैं उनपे भी आप फोकस कर सकते हैं बिकॉज कॉन्टेस्ट के ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं बट आफ्टर द कॉन्टेस्ट हम एडिटोरियल्स रिलीज करेंगे उनके तो आप एडिटोरियल्स देख के समझ के समझ पहले खुद से ट्राई करिएगा कोड करने का और अगर नहीं हो पाए तो फिर दूसरों के सोल्यूशन देख सकते हो एडिटोरियल का कोड समझ के कर सकते हैं तो देर आर वेरियस वेज टू लर्न आउट ऑफ इट तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिएगा एंड सो गाइज सी यू ऑल एट कोडरा शेक्स ऑल्सो अजीत एंड दिनेश एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम यू या गाइज प्लीज पार्टिसिपेट Problem set is gonna be very interesting. You are going to enjoy this problem set, so try your best in the entire problem set. And try to win as many prizes as you can. So, guys, do like, share, and subscribe to this particular video. And also, the link for the code checks is in the description below. Thank you.